हेलो दोस्तों, मैं हूं उजीत। मैं आपको बता दूं, होंडा एसपी 125 के आज प्राइस ऑन रोड बताऊंगा। इसके माइलेज और फीचर्स के बारे में डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको मैं आपको बताने वाला हूं, ईएमआई भी आप डाउन पेमेंट करके ले सकते हैं। होंडा हॉरेंट का आप अगर जानकारी चाहते हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला वीडियो मैं इसका ही बनाने वाला हूं। इसमें आपको पांच कलर देखने को मिल जाते हैं। पेरल श्री ब्लू देखने को मिल जाता है, मेटलिक ब्लू देखने को मिल जाता है, रेड देखने को मिल जाता है, और चौथा मैं आपको बताऊं दोस्तों, ग्रे देखने को मिल जाता है, ग्रीन स्ट्रिक ग्रीन देखने को मिल जाता है। इसके प्राइस की बात करें तो प्राइस आपको 83,348 रुपये देखने को मिल जाएगा। आरटीओ आपको 9,835 रुपये, इंश्योरेंस का आपका 5,601 रुपये, ऑन रोड प्राइस आपको पड़ जाता है दोस्तों 98,784 रुपये। चलिए मैं आपको मीटर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आपको इसमें स्पीड मीटर देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो, और इसमें आपको ओडोमीटर देखने को मिल जाता है और ट्रिप मीटर देखने को मिल जाता है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, फ्यूल गेज भी आपको इसी स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर क्लॉक यानी दोस्तों घड़ी भी आपको टाइमिंग देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको कुछ की का स्पेस देखने को मिल जाता है। आपको साइलेंसर मफलर कुछ इस प्रकार से और हैंडल बार कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लुक प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आपको हॉर्न बटन देखने को मिल जाता है। वहीं पर बात करें तो क्लच लीवर कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाते हैं। और इसके इंजन की बात करें तो इंजन आपको 125 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है। कंपनी आपको 124 सीसी का इंजन बताकर प्रोवाइड करती है। माइलेज की बात करें तो माइलेज आपको 65 किलोमीटर पर लीटर में आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पर बात करें आपको ट्रांसमीटर की, तो ट्रांसमीटर आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर देखने को मिल जाता है। वेट की बात करें तो वेट आपको 117 केजी इसका वेट आपको देखने को मिल जाएगा। रियर मिरर कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाते हैं, और फ्रंट मेड गार्ड कुछ इस प्रकार से, फ्रंट व्हील आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाते हैं, एलॉय व्हील आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाते हैं। डिस्क ब्रेक की बात करें तो आपको कुछ अच्छे क्वालिटी में देखने को मिल जाता है, बेहतरीन लुक में और बेहतरीन डिजाइन में देखने को मिल जाता है। यह बाइक आपको दो वेरिएंट में देखने को मिल जाती है, एसपी 125 ड्रम ब्रेक 98,000 और डिस्क ब्रेक आपको 1,03,000 देखने को मिल जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करो तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 11 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। चलिए आप ईएमआई भी लेना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं उसके ही बारे में आपको बता देता हूँ। ये आपको डाउन पेमेंट अगर 35,000 करते हैं तो 63,000 का आपका लोन अमाउंट बनेगा। 36 मंथ का आप कराते हैं तो 11.25% का आपका ब्याज लगने वाला है। आपका पर मंथ का जो ईएमआई आएगा 2,368 रुपये आएगा, और टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,20,307 रुपये। सीट हाइट की बात करें तो सीट हाइट आपको 790 mm सीट हाइट इसका देखने को मिल जाएगा। वहीं पर आपको टेल लाइट और टर्न इंडिकेटर कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you